जब भगवान राम देवी सीता तथा लक्ष्मण के साथ वनवास व्यतीत करते हुए पंचवटी वन में रह रहे थे, उस समय पंचवटी वन वसंत ऋतु होने के कारण अपने पूरे श्रृंगार में थी। हर जगह हरियाली थी तथा पूरा वातावरण सुगंधित पुष्पों से महक रहा था। भगवान श्री राम ने देवी सीता को वसंत ऋतु की भेंट देने के लिए वन के सबसे सुंदर पुष्पों को चुनकर श्री राम जी ने अपने हाथों से तरह तरह के गहने बनाए और प्रभु राम ने आदर के साथ वे गहने सीता जी को पहनाए। उधर देवलोक में देवताओं के बीच श्री राम के वनवास के संबंध में अधिकतर चर्चाएं होती रहती थी। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत इन चर्चाओं को बहुत ही रुचि लेकर सुना करते थे। जयंत को इस बात पर विश्वास नहीं होता था कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार प्रभु राम एक सामान्य मनुष्य के रूप में वनवास के कष्टों को झेल रहे हैं। क्या वे सच में भगवान विष्णु ही हैं या कोई साधारण मनुष्य? ऐसा सोच जयंत ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने की सोची। जयंत को अपने ऊपर अभिमान था कि उसके पास बहुत तेज गति है तथा इस अभिमान का कारण ये था कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकाला जा रहा था तब असुरों से इसकी सुरक्षा के लिए अमृत को जयंत को दे दिया गया था। जब उस अमृत को प्राप्त करने के लिए असुर जयंत के पीछे भागे तो जयंत पवन के वेग से उनकी पहुंच से दूर जा निकला। तब से जयंत को ये अभिमान हो गया कि उसे गति में स्वयं पवन देव भी नहीं हरा सकते। उसका अभिमान इतना अधिक बढ़ चुका था कि उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का दुस्साहस किया। इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण किया तथा पंचवटी वन में पहुंचकर उस वृक्ष के ऊपर बैठ गया जिसकी छाया में देवी सीता और राम जी बैठे हुए थे। माता सीता भगवान राम द्वारा भेंट स्वरूप दिए गए पुष्पों के हार को पाकर बहुत प्रसन्न थी तथा प्रभु राम को भी इस बात की संतुष्टि थी कि महलों के सुखों को छोड़ कष्टों के समय व्यतीत कर रही देवी सीता आज भले ही कुछ देर के लिए परंतु प्रसन्न है। परंतु मूर्ख जयंत से माता सीता और राम की प्रसन्नता देखी नहीं गई। वो वृक्ष से नीचे उतरा तथा बहुत तेजी से माता सीता के पैरों में प्रहार करता हुआ वापस वृक्ष के ऊपर जा बैठा। प्रहार इतनी तेजी से किया गया था कि माता सीता के पैरों से रक्त बहने लगा। माता सीता के पैरों से बह रहे रक्त को देखकर भगवान राम क्रोधित हो उठे तथा उन्हें ये ज्ञात हो चुका था कि यह किसने और किस मंशा से किया है। उन्होंने पास ही में पड़े एक सरकंडे को उठाया और उस कौवे को निशाना साधते हुए उस सरकंडे को आदेश दिया कि उस दुष्ट को दंड दे। प्रभु राम की आज्ञा पाते ही वो सरकंडा ब्रह्म बाण में परिवर्तित हो गया तथा जयंत की ओर बढ़ने लगा। ब्रह्म बाण को अपनी ओर आते देख जयंत देवलोक की ओर भागा। भागते भागते जयंत अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुँचा तथा ब्रह्म बाण से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। इंद्रदेव अपने पुत्र जयंत से बोले कि तुम्हारी रक्षा अब मेरे बस की बात नहीं, तुम्हें ब्रह्मदेव की शरण में जाना होगा। जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए जब ब्रह्मदेव के शरण में पहुंचा तो उन्होंने भी इसमें असमर्थता जताई। जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भटकने लगा तथा ब्रह्म बाण भी उनके पीछे लगा हुआ था। भागते भागते अंत में जयंत नारद मुनि के पास पहुंचा तथा उनसे बोला, आप तो नारायण भक्त हैं, कृपया मुझे उनके इस कोप से बचाने का कोई उपाय सुझाइए। नारद जी को उस पर दया आ गई। नारद जी ने जयंत को उपाय सुझाते हुए बताया कि तुम माता सीता के चरणों में जाओ तथा उनसे क्षमा याचना की प्रार्थना करो, यही एकमात्र उपाय तुम्हारे पास है। उपाय पाते ही जयंत बहुत तेजी से माता सीता के पास अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंचा तथा उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगा। माता सीता ने जयंत को क्षमा कर दिया तथा प्रभु श्री राम से ब्रह्म बाण वापस लेने को कहा। प्रभु श्री राम ने जयंत से कहा कि मैंने ब्रह्म बाण को तुम्हें दंड देने का आदेश दिया है, अतः ये बगैर दंड दिए वापस नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हें अंग भंग का दंड मिलता है। इस प्रकार से ब्रह्म बाण ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। इंद्रपुत्र जयंत तब काना हो गया और आज भी काना ही है।